किस प्रकार से जो पहली रागिनी मैंने सुनाई थी कि चिट्ठी के अंदर क्या क्या सामान लिखा गया था, आइए वही सामान ठाकुर जी ने भात के अंदर दिया। सुनेगा क्या क्या सामान था और कैसा भात भरा गया। सुनिए। हर नंदी का भात भरण नंदलाल। बोले बात के बिहारी लाल की जय। और कैसे भात भरण नंदलाल, भात भरण नंदलाल, ओ लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, ओ लगे हर नंदी का भात भरण। Yeah.
हर नंदी का भात भरन नंदलाल। श्रोताओं, ये सच्चाई है कि उस चिट्ठी के अंदर इतना इतना सामान लिखा हुआ था, छोटी से छोटी चीज ठाकुर जी ने भात के अंदर दी, और क्या क्या दिया जरा सुनिएगा। लगा दिया बाजार, नरसी को रे नरसी को कंगाल बताया, न्यू बतला रे सब नर नार। नरसी को कंगाल बताया, न्यू बतला रे सब नर नार। हेरा सुई धागे, देखे छोटी छोटी चीज मंगाई, हेरा सुई धागे तुम ले ले ओ, किरसन जी न्यू फरमाए, सुरमा स्याही देखे ने वहां एक जोग सब निमटाए। हेर सोने के दो पत्थर लियो जो पड़ी सास ने मंगवाए, सोने के दो पत्थर लियो जो पड़ी सास ने मंगवाए। हेरे 25 मन चावल दे दिए, हेरे रे रे रे, हेरे 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन दाल रे लगे हर नंदी का भरने के लिए
जा रही थी, उन्हें आज पानी का अच्छा लग रहा था, अपने अपने गड़वे में अपने अपने मटकों में पानी की जगह सोना भर लिया। जब तक धोबी घाट पे पहुंचता है वहां पर एक कील भी उस धोबी को नहीं मिली। श्रोता अपनी धोबन से कहा, धोबन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चल घर चल। पड़ोसियों को ये पता लग गया कि धोबी घर पे नहीं है, उसके घर में कूद गए और सारा सोना उसके घर से भी सीमेंट के ले गए। श्रोताओ जब तक वो धोबी घर पे आया, घर पे भी कुछ नहीं मिला, धूल उड़ती हुई मिली। इसलिए लालच करना बुरी बात होती है। और यहीं से एक कहावत शुरू हुई थी कि धोबी घर का रहा ना घाट का, वो इसी किस्से से शुरू हुई थी। क्या हुआ, धोबी धन्यवाद।